आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बड़ी चिंता रहती है। अब देखिए केजरीवाल जब बाहर थे तब दिल्ली वालों का क्या हाल था। दिल्ली में एक तरफ जहां भीषण गर्मी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, कई इलाकों में तो तापमान 52 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाके पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में लोग बूंद बूंद पानी को भी तरस रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल हमेशा मुफ्त में पानी देने का ढिंढोरा पीटते रहते थे, जो एक बार फिर उनकी कथनी और करनी को उजागर कर रहा है। दिल्ली में जल संकट के हालात इतने बदतर हैं कि कई इलाकों में लोग पानी के टैंकरों के पीछे बाल्टी और पाइप लेकर दौड़ने को मजबूर हैं। कुछ जगहों पर तो लोगों को पानी के लिए रात रात भर लाइन में लगना पड़ रहा है। पानी का टैंकर देखते ही लोग उस पर झपट पड़ते हैं ताकि घर में लोगों की प्यास बुझाई जा सके। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिल्ली में जल संकट को देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है, अगर एक टैंकर भेज भी दिया गया तो इतनी बड़ी बस्ती में एक टैंकर से क्या होगा। सरकार से पानी के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। हम खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। इस समय दिल्ली में स्लम हो या पॉश इलाका, हर तरफ लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इधर जल संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इतनी भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है और जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था उसमें भी कमी कर दी गई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर बीजेपी हरियाणा और यूपी की अपनी सरकारों से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली वाले बीजेपी के इस कदम की खूब सराहना करेंगे। इतनी भीषण गर्मी किसी के हाथ की बात नहीं, लेकिन हम सब मिलकर काम करें तो लोगों को इससे राहत दिलवा सकते हैं। इस पोस्ट के बाद लोगों ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई भी समस्या हो केजरीवाल हमेशा केंद्र सरकार या फिर पड़ोसी राज्यों को ही दोषी ठहरा देते हैं, यह उनकी पुरानी आदत रही है। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, पॉल्यूशन बढ़ा तो हरियाणा जिम्मेदार, पानी नहीं है तो हरियाणा जिम्मेदार, यमुना साफ नहीं तो यूपी जिम्मेदार, केजरीवाल के मंत्री पीसी करेंगे और दूसरे राज्यों पे ब्लेम करेंगे, हर साल की यही कहानी है। फिलहाल आम लोगों को अब केजरीवाल की हर चाल समझ में आ गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जनता इन्हें जवाब जरूर देगी।